नमस्ते फ्रेंड, मीरा कुकिंग चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो लीजिए, आज हम बनाएंगे चिकन स्ट्रू। तो चिकन स्ट्रू बनाने के लिए हमने ले लिया है 1 केजी चिकन। इस तरीके से हमने बड़े बड़े पीसेस में लिया है, इस तरीके से देखिए। और चिकन स्ट्रू बनाने के लिए हमने जो मसाले लिए हैं, मतलब इसको फ्रोन देंगे इस मसालों से, तो हमने छोटा टुकड़ा दालचीनी का लिया है, 2 बड़े इलायची लिए हैं, 5-6 काली मिर्च लिए हैं, और 4 हमने लौंग ली है, आधा चम्मच साबुत जीरा लिया है, और 1 तेज़पत्ता लिया है, 4 सूखी लाल मिर्च लिए हैं, और आधा चम्मच सूखा साबुत धनिया लिया है। और गैस पे हमने कुकर भी चढ़ा दिया है और तेल भी डाल दिया है। तो चलिए जल्दी से हम शुरू करते हैं। तेल हमारा अच्छे से हीट हो गया है, तो इसी तेल में हम दे देंगे जो साबुत मसाले हमने लिए हैं, इनको डाल देते हैं इस तरीके से। तो देखिए थोड़ा सा फ्रोन चटक जाएगा इसको, फिर इसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। देखिए मैंने बाज़ार वाला लिया है, आप चाहे तो घर पर भी बना सकते हैं। तो अदरक लहसुन का पेस्ट हमारा अच्छे से भून गया है, ये देखिए फ्रेंड, इस तरीके से हमने भून लिया है, पूरा कच्चापन निकल गया है इनका, अब तेल भी छोड़ दिया है। तो कुछ हम इसमें मसाले देंगे, मसाले क्या देंगे हम आपको दिखाते हैं। आधा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर देंगे, और 1 चम्मच नमक देंगे स्वाद के अनुसार, और बिल्कुल ज़रा सी हम इसमें हल्दी देंगे, बिल्कुल ज़रा सी, इसमें हल्दी ज़्यादा नहीं पड़ती स्ट्रू में। और हम देंगे इसमें, अभी हम इसमें दे देते हैं काली मिर्च, 1 भर के चम्मच दे देते हैं, क्योंकि इसमें लाल मिर्च बहुत कम जाएगी, तो काली मिर्च से ही बनता है स्ट्रू। तो चलिए अभी हम इनको अच्छे से मिला लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड, हमारा मसाला बहुत अच्छे से भुन भी गया है, कलर थोड़ा सा ऐसा इसलिए आया है कि क्योंकि हमने काली मिर्च ज़्यादा डाल ली है, तो इसलिए इसका कलर काली मिर्च से ही बनता है, ये ऐसी कलर रहेगा। तो अब हम इसमें डाल देते हैं चिकन। चिकन स्ट्रू बनाने के लिए इसमें कच्चा पपीता भी डाल सकते हैं, कच्चा गाजर भी डाल सकते हैं, और आज मैं कुछ नहीं डाल रही हूँ, खाली चिकन से ही बना रही हूँ। तो चलिए सारे चिकन को डाल दिया मैंने अच्छे से, अब इनको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं इस तरीके से। बहुत ही झटपट बनता है स्ट्रू चिकन, 10 मिनट में रेडी हो जाता है, बहुत ही फटाफट बन जाता है। तो चलिए हम अच्छे से इसको मिक्स कर लेते हैं। चिकन स्ट्रू बना गए हम, देखिए कितने अच्छे से मसाला कोट हो गया है इसमें चिकन में हमारे तरीके से। मेरे घर में तो बहुत फेवरेट है चिकन स्ट्रू, बहुत ही पसंद करते हैं। देखिए इस तरीके से हमने अच्छे से मसाले के साथ चिकन को भी भून लिया है, अभी हम इसमें दे देते हैं पानी। आप अपने हिसाब से दीजिएगा। तो हमने पानी डाल दिया है, अभी हम इसमें दे देते हैं 4-5 हरी मिर्च, काटी नहीं है, साबुत हरी मिर्च है, हरी मिर्च से टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो अब हम इसको कवर कर देते हैं, इसको अच्छे से कवर कर दिया। अब हम इसमें 5 सीटी दिलाएंगे, 5 सीटी दिलाएंगे। तो चलिए हम बाद में मिलते हैं थोड़ी देर में। तो लीजिए फ्रेंड, हमारी सीटी भी अच्छे से खुल गई है, अभी हम इसको ओपन करके देखते हैं। अच्छे से चिकन पका है, ये देखिए फ्रेंड, इसको थोड़ा सा गैस पे चढ़ाएंगे,
गैस पे चढ़ाने के बाद 2 मिनट इसको उबलने देंगे और इसमें गरम मसाला भी दे देते हैं, 1 चम्मच गरम मसाला देंगे। इस तरीके से मिक्स कर देंगे 2 मिनट, इसको 2 मिनट तक इसको अभी ढक देंगे। तो हमारे 2 मिनट हो गए हैं, अभी हम इसको देखते हैं कंट्रोल करके। बहुत अच्छे से कलर भी आया है, बहुत अच्छे से हमारा चिकन पक भी गया है। तो अभी हम गैस को कर देते हैं बंद और 5 मिनट के बाद इसको ढक देंगे, उसके बाद दिखाते हैं। तो हम एक कढ़ाई में निकाल लेते हैं इसको अच्छे से। मैं आपको एक कटोरी में भी निकाल कर दिखाती हूँ कि चिकन हमारा कितना अच्छा पका है। देखिए फ्रेंड, कोई बड़ा सा भी पीस ले लेते हैं, देखिए ये देखिए, ये देखिए फ्रेंड कितने अच्छे से चिकन हमारा बॉल हुआ है, ये देखिए। तो ये चिकन स्ट्रू बहुत ही झटपट तैयार हो जाता है, तो आप भी बनाइए, बहुत हेल्दी भी होता है, कुछ भी मसाले नहीं जाते इसमें। तो चलिए, हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरे वीडियो पर लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब भी करना चैनल पर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।